तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 2023 की टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शाओं के बारे में जानेंगे। वैसे 2023 तो खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च होना बाकी है, लेकिन अभी तक जितने भी लॉन्च हुए हैं उनके अंदर टॉप 5 चुन के लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए, तो उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के बारे में तो कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शाओं के बारे में। तो दोस्तों ये 5 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ सभी कंपैरिजन तो नहीं करने वाला हूँ, मेन स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस के बारे में ही यहाँ पे बताने वाला हूँ, और जो नंबरिंग की है टॉप 5 से टॉप 1 तक उसका जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो रेंज सबसे ज्यादा कौन सा दिए वो नंबर 1 पे, और सबसे कम कौन सा दे रही है वो नंबर 5 पे आने वाली है। इसके अलावा भी ये टॉप 5 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं जिसके बारे में आप जान लो। जैसे कि ये 5 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के अंदर हमें मेटल से बनी हुई बॉडी और कंटेनर मिलने वाला है, और इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 3 कंटेनर्स के ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं, एक फ्लैट बेड और एक डिलीवरी वैन एक फुल कंटेनर के साथ। वैसे हमें लो डेस्क और फुल डेस्क का ही ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर वो ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ ये सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर चार्जिंग टाइम तो लगभग 4 घंटा तो लगता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके अलावा इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर फिक्स बैटरी मिलने वाली है, किसी में भी आपको स्वैपेबल बैटरी तो नहीं मिलने वाली है ये कार्गो ऑटो रिक्शाओं के लिए। इसके अलावा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए सबके अंदर आप घर पे चार्ज करना चाहते हैं तो ऑफबोर्ड चार्जर तो देना पड़ेगा, तो सभी के अंदर आपको ऑफबोर्ड चार्जर तो मिल ही जाएगा। और इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का जो प्राइस मैं बता रहा हूं एक शोरूम प्राइस है, कहीं पे बताना भूल गया तो आप ध्यान में रख लेना, सभी का एक शोरूम प्राइस है। और इसके अलावा भी आपके स्टेट के हिसाब से ये प्राइस नीचे ऊपर होते रहता है, तो वो भी ध्यान में रख लेना दोस्तों। और इन सभी ऑप्शन के साथ साथ आपको इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको मिनिमम 3 साल की वारंटी मिल ही रही है, और इसके अलावा कुछ कंपनी ज्यादा वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है बैटरी के ऊपर और मोटर के ऊपर, लेकिन स्टैंडर्ड वारंटी जो होती है हमेशा 3 साल की रहती है 3 व्हीलर्स के अंदर। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा यहाँ पे L5N कैटेगरी में आने वाले हैं, तो ये रिक्शा कैटेगरी में नहीं ऑटो रिक्शा कैटेगरी में ही होने वाले हैं सभी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर जो रेंज को लेकर मैं नंबरिंग किया हूँ वो रेंज सर्टिफाइड रेंज होने वाला है सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर, ना कि रियल वर्ल्ड अनग्राउंड जो रेंज मिलने वाला है उसके ऊपर कंपैरिजन किया है। हाँ, वैसे तो कुछ ऑटो रिक्शा के अंदर वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑन रोड जो रेंज मिलता है वो कितना मिलने वाला है, और इसके अलावा भी काफी एक्स्ट्रा फीचर सभी के अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग मोड हो गया, टायर के मेजरमेंट भी लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो सभी के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, और साथ ही साथ मोबाइल कनेक्टिविटी भी सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों ये सभी फीचर सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर लगभग सेम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम टॉप 5 के अंदर पेलोड कैपेसिटी, रेंज, मोटर पीक पावर और मोटर टॉर्क ये सब कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 से। और नंबर 5 पे आती है ओमेगा सखी की तरफ से रेज प्लस। इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको पेलोड कैपेसिटी 500 का मिलने वाला है, और इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की मिलने वाली है, और इसके अलावा इसके अंदर जो मोटर दी गई है उससे पीक पावर 9.55 किलोवाट का मिलने वाला है, और इसके अंदर आपको जो फिक्स बैटरी दी गई है उसके कैपेसिटी 10.8 किलोवाट आवर की होने वाली है। और इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 120 किलोमीटर का रेंज सिंगल चार्ज मिलने वाला है, और इसके अलावा इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 3.4 लाख से शुरू होकर 3.5 लाख तक यानी 3.5 लाख तक भी जाती है इसकी प्राइसिंग। वैसे इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको टॉर्क नहीं बताया हूं, क्योंकि कंपनी की तरफ से मोटर का टॉर्क नहीं बताया, व्हील का टॉर्क बताया। वैसे व्हील का टॉर्क की सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं करोगे, तो उसको छोड़ी देते तो बेहतर होगा। तो नंबर 4 पे आती है महिंद्रा की तरफ से जोर ग्रैंड। इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको पेलोड कैपेसिटी 480 से लेकर 500 केजी तक मिलता है, और इसकी टॉप स्पीड आपको 50 किलोमीटर पर आवर मिलने वाली है, और इसके अंदर जो मोटर दी गई है उससे हमें 12 किलोवाट की पीक पावर मिलने वाली है, और उस मोटर से हमें 50 Nm का टॉर्क भी इस इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर मिलने वाला है। और इस मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए इसके अंदर 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है। जिस अगर हम जोर ग्रैंड का रेंज देखा जाए तो सर्टिफाइड रेंज 150 किलोमीटर का मिल रहा है, लेकिन रियल जो ड्राइविंग रेंज है वो 100 किलोमीटर का बता रही है कंपनी की तरफ से। अगर हम सर्टिफाइड रेंज और रियल ड्राइविंग रेंज के अंदर फर्क देखेंगे तो 50 किलोमीटर का डिफरेंस बता रहे हैं ऑफिशियली। अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइस अगर देखा जाए तो 2.92 लाख यानी लगभग आपको 3 लाख से शुरू होती है इसकी प्राइसिंग। और नंबर 3 पे आती है अल्टीग्रीन की तरफ से लो डेस्क और हाई डेस्क, ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो
रिक्शा के अंदर परफॉर्मेंस और प्राइसिंग में तो कुछ फर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो डिलीवरी कंटेनर होता है उसके अंदर फर्क देखने को मिलता है। तो उसी के ऊपर इसका भी नाम अलग अलग रखा है, लो डेस्क और हाई डेस्क। वैसे इसका पेलोड कैपेसिटी देखा जाए तो 550 केजी का मिल रहा है और इसकी जो टॉप स्पीड है 53 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है और इसके अंदर जो मोटर दी गई है उससे हमें 8.25 किलोवाट की पीक पावर मिल रही है और इस मोटर से हमें इस ऑटो रिक्शा के अंदर 45 Nm का टोर को भी मिल रहा है। और इसके अलावा इस मोटर को पावर देने के लिए इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 11 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, जिसको आप रेगुलर चार्जर से 4 घंटा तो वैसे ही लगेगा। के अंदर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन नहीं बात किया है, लेकिन अल्टीग्रीन के तरफ से एक दूसरी फास्ट चार्जिंग वाली ऑटो रिक्शा है जिसके बारे में भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में मिल जाएगा। उसके अंदर आपको 15 मिनट के अंदर 100% चार्जिंग फुल मिल जाएगी। रेवोल्यूशन प्रोडक्ट है इंडिया का, मेड इन इंडिया का, तो वो वाली वीडियो कंपलसरी देखना आप। अगर हम इस ऑटो रिक्शा की रेंज देखा जाए तो 151 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिल रहा है, लेकिन कंपनी की तरफ से बताया गया है कि ऑन रोड रेंज भी जो कि 120 किलोमीटर का मिल रहा है सिंगल चार्ज पे। अगर हम इस ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस देखेंगे तो 3.25 लाख से शुरू होकर 3.75 लाख तक जाती है। और नंबर 2 पे आती है हाल ही में लॉन्च हुए पियाजो की तरफ से अपे ई एक्स्ट्रा फैक्स मैक्स, जिसके अंदर आपको पेलोड कैपेसिटी 480 से लेकर 500 केजी का तो मिलता है। इसके साथ साथ इसकी टॉप स्पीड हमें 50 किलोमीटर पर आवर मिल रही है और इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें जो मोटर दी गई है उससे हमें 9.55 किलोवाट का पीक पावर मिल रहा है और उसके साथ साथ इस मोटर से हमें इस ऑटो रिक्शा के अंदर 45 Nm का टोर्क भी मिल रहा है। और इसके अलावा इस मोटर को जो पावर देने की काम करती है, अगर बैटरी देखा जाए तो 8 किलोवाट आवर की बैटरी इस ऑटो रिक्शा के अंदर दिया जा रहा है और इस बैटरी से हमें 155 प्लस और माइनस 5 किलोमीटर का रेंज बताया जा रहा है। वैसे ऑन रोड जो रेंज होता है वो कितना मिल रहा है इसके अंदर नहीं बताया है। अगर हम प्राइसिंग देखा जाए तो 3.46 लाख से ही शुरू होती है इसकी प्राइसिंग। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आपे की तरफ से बहुत पहले ही लॉन्च हुआ अपे ई एक्स्ट्रा, जो अल्फा एन कैटेगरी में ही एक कार्गो ऑटो रिक्शा है, उस पे जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रेंज आपको 100 के अंदर ही मिल रहा है सब। तो दोस्तों अगर फाइनली अगर नंबर 1 की बात की जाए तो एलर की तरफ से आने वाली हेलोड, जिसके अंदर हमें ऑफिशियल तौर पे सबसे ज्यादा पेलोड कैपेसिटी और सबसे ज्यादा रेंज मिल रहा है। जैसे कि पेलोड की बात की जाए तो 688 केजी का पेलोड कैपेसिटी मिल रही है और इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें टॉप स्पीड है वो कम दिया जा रहा है, जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है। इसके अलावा जो मोटर मिल रही है उससे हमें 10.96 किलोवाट की पीक पावर मिल रही है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा टोर्क भी इसी ऑटो रिक्शा के अंदर मिल रहा है, जो कि 88.5 Nm का टोर्क इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिल रहा है। और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें सबसे ज्यादा बैटरी दी जा रही है, 13 किलोवाट आवर की बैटरी इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिल रही है। तो इसके अंदर हमें ऑफिशियल सर्टिफाइड रेंज जो है 170 किलोमीटर का मिल रहा है, लेकिन रियल जो ड्राइविंग रेंज है उस 100 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर का बताया जा रहा है, जो कि 50 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है सर्टिफाइड रेंज से और रियल रेंज के अंदर। और इसके अलावा भी इसके अंदर एक और बेस्ट ऑप्शन जो फास्ट चार्जिंग का मिल रहा है, 15 मिनट के अंदर आपको 50 किलोमीटर तक जाने का चार्जिंग मिल जाता है। अगर 15 मिनट लगा लेंगे तो आप 50 किलोमीटर तक इससे चला सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 3.78 लाख से शुरू होकर 4 लाख तक जाती है, जो कि एक शोरूम प्राइस है। कभी भी ये बात ध्यान में रखना दोस्तों, जिसमें भी आपको बैटरी ज्यादा दी जा रही है तो आपको प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है, बैटरी के ऊपर ही प्राइस डिपेंड होता है। जैसे आपको बैटरी ज्यादा बता जाएगी तो आप सोच लेना कि प्राइस भी इसका ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा 2023 के। इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के इंडिविजुअल वीडियोस अवेलेबल है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में दे दूंगा, जाके देख लेना सभी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ। वैसे आपकी फेवरेट कौन सी है, आप कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना चाहोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।